खैबर के जुज़वी वाकयात में वो दो मारूफ वाकयात भी शामिल हैं। एक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर से वापस आ रहे हैं तो वादी अल कुरा में पहुंचे तो वहां पे यहूदियों ने तीरों की बरखा को बरसा दिया, तो एक साथी उसको तीर लगा, उनके रूह परवास कर गई, तो सारे साथी कहने लगे वो जन्नत में चला गया, हमसे पहले जन्नत में चला गया, तीर आया जन्नत में चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे ये मरूफ वाक्य है और मेरे और आपके लिए बाइस इबरत है और डरने का मकाम है। ये बंदा किसके साथ जिहाद कर रहा है? रसूलुल्लाह के साथ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा कह रहे हैं वो जन्नत में चला गया, रसूलुल्लाह ने कहा मामला इससे बरक्स है, मैं इसके ऊपर आग की एक चादर देख रहा हूं जो इसने खैबर के माले गनीमत में से चुराई है। मेरे भाइयों, हराम एक ऐसी चीज है कि या तो उसके लिए तोबा करके दुनिया से जाइए या उसका अजाब आपको चखना ही पड़ना है। अगर इस बंदे ने जिसने रसूलुल्लाह के साथ जिहाद किया है और उसको तीर आके लगा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इसके ऊपर आग की एक चादर है, तो मुझे और आपको समझा रहे हैं। और इसी जंग के अंदर वो दूसरा वाकया पेश आया कि जिसके बारे में साहबा ने कहा वो जन्नती है, वो जन्नती जा रहा है, कैसे लड़ रहा है, वाह वाह कितना उमदा लड़ रहा है, वाह वाह कुफार की गर्दनों को काटता चला जा रहा है, वाह वाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्कि जहन्नुमी है। किस वजह से? साहबा ताकुब करने लगे, ये कैसे हो सकता है कि ये जहन्नुम में चला जाए? लड़ रहा है दलेरी के साथ, शुजात के साथ, बहादुरी के साथ। क्या देखा? आखिर में जख्मों की ताब ना लाते हुए बीमार हुआ और जख्मों की शिद्दत और तकलीफ को बर्दाश्त ना करते हुए अपने हलक के ऊपर तीर को फेर के खुदकुशी कर ली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन रोज़े रोशन की तरह अयां हो गए। बुनियादी तौर के ऊपर जो बंदा रियाकारी के लिए, जो बंदा बदनीयती के साथ, जो बंदा जिन लोगों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमान कह दिया, सिर्फ इन लोगों के बारे में है ये दो हदीसें, बाज बदबख्त सारे सहाबा के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं कि जब हम कहते हैं हर सहाबी ये नबी जन्नती है तो वो कहते हैं ये दो, और भाई इन दोनों की जो नहीं थे उनकी वजाहत कर दी है, बाकी जिसकी नहीं की उसके बारे में हमारा ईमान और यकीन है कि वह जन्नत में चली है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो मुस्तस्ना हो, जिनको निकालना हो, रसूलुल्लाह वादे करके बता देते हैं। और ये बात याद रखिएगा, इस हवाले से उलमा ने इन दोनों वाकयात के पीछे एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस भी की है, जो मुफस्सल अंदाज में पढ़ना चाहे वो इन दो अहदीस से रुजू कर सकता है, लेकिन लुबे लुबाब ये या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यबा, ए लोगो जमीन में से जो हलाल और पकीदा चीजें हैं वो लो, उसके जरिए खाओ, वो अपने पेट में डालो, जो जिस्म हराम की परवरिश में पला हो, ये कैसे मुमकिन है उस गोश्त के ऊपर अदाब ना हो जो हराम खाता है, जिसका खाना हराम का, पीना हराम का, वो या रब कह के हाना काबा के अंदर खड़े होके भी हाथ उठा के दुआ करे, उसकी दुआ नहीं सुनी जाएगी। और याद रखिए, इबादात की कबूलियत के अंदर, इबादात की कबूलियत के अंदर बहुत सी शिक्के हैं, बहुत सी शिक्के हैं कि जो इबादत कबूल होती है, कैसे शिरक ना हो, कैसे रसूलुल्लाह के मुताबिक अमल हो, कैसे रियाकारी शामिल ना हो, मुख्तलिफ जो बातें हैं अमाल की कबूलियत में, उनमें से एक शर्त यह भी है कि रिजक हलाल का हो।